नमस्कार, मीरा मेहता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं बेल, इसे हम बेल पत्थर भी कहते हैं, स्टोन एप्पल भी कहते हैं और वुड एप्पल भी कहते हैं इसको हम। और फ्रेंड्स, अगर इसे हम, क्योंकि ये जो सबसे बेस्ट फ्रूट यही है बेल, जो गर्मियों में जो है सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर से सारी जो गर्मी होती है उसको निकाल देता है, हीटिंग को निकाल देता है, और ये बहुत ही कूलेस्ट फ्रूट माना जाता है। तो इसको हम गर्मियों में बहुत ही यूज़ करते हैं, और इसका आज हम शरबत बनाना है, और कैसे बनाएंगे वो बताते हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है बेल को, और इसको अब मैं तोड़ूंगी। ये हमने, क्योंकि ये हार्ड होता है तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे 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 करके हम इसको, और ये अब ये निकल गया है। ये देखिए, ये इसमें जो बीज होते हैं, इन बीजों को हमको निकालना होता है। पहले इसको हम अच्छे से ऐसे करके ये निकाल लेंगे, और ये देखिए एकदम आसानी से निकल आता है ये। और इसी तरीके से ये दूसरा भी हम निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स, हमने इसके जो बीज हैं वो निकालने हैं, क्योंकि इसके बीज बहुत ही कड़वे होते हैं। जितना इसका पल्प मीठा होता है उतने इसके बीज कड़वे होते हैं, तो हमने इसके बीज को निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, और पानी आप फ्रेंड्स वही यूज़ करें जो आप पीने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको हमने पकाना नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही हमने इसको करना है। अब इसको हम हाथ, मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं इसलिए इसको हाथ से ही करेंगे, और इस तरीके से इसको हम, ताकि इसके बीज आसानी से बाहर निकल आए। ये देखिए, हाथ से मैश करके ये ऐसा हो गया, और इसके बीज भी इसमें अलग हो गए हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके छानेंगे ताकि इसके बीज बाहर रह जाएं। और ये देखिए, और फ्रेंड्स, जब इसको हम बेल को घर लेकर आते हैं, अगर आप इसको एक दो दिन के लिए घर में ऐसे ही अपना डाइनिंग टेबल पर रख दें, इसकी खुशबू, मल्टीपल खुशबू होती है, जैसे कुछ इसमें फ्रूट की, फ्लावर्स की ऐसी स्मेल आती है, आपको बार बार उसके पास जाने का मन करेगा कि उसकी स्मेल लें, खुशबू लें। तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, और खाने में तो ये है बहुत ही अच्छा शरबत है, गर्मियों में बहुत राहत देता है हमें। और ये देखिए, इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा करके छानते जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारा हमारा जो पर था, गूदा था, वो निकल आया है। ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गया। ये देखिए, इसको हम प्लेन भी पीते हैं, और दूध में मिल्क शेक बना के भी इसको पीते हैं। तो इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगी, और इसके लिए मैंने ये एक ग्लास से थोड़ा कम ये दूध लिया है मैंने, और ये क्योंकि एक ग्लास के लिए कर रहे हैं, तो हम इसमें मैं तीन स्पून लूंगी। तो क्योंकि बच्चे पियेंगे तो बिना शुगर के तो इसको पियेंगे नहीं, क्योंकि दूध डाल दिए तो थोड़ा सा इसमें ये मीठा कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं, एक स्पून ही ये शुगर मैंने पीस के रखी हुई है, तो ये शुगर पाउडर है, तो इसको मैं एक चम्मच हम डालूँगी, ज़्यादा नहीं। इसमें दो चार क्यूब हम आइस के डालेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा शेक बन गया है, जैसे हमारा मैंगो शेक हम बनाते हैं ऐसे ही ये बिल्कुल बना है, और ये पीने में बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको मिल्क के साथ। आइए हम इसको सर्व करते हैं। और ये बेल का हमारे ये मिल्क शेक, ये देखिए ये हो गया, और ये
ये है हमारा प्लेन प्लेन शरबत है। दोनों के कलर में देखो कितना डिफरेंस लग रहा है, और दोनों ही खाने पीने में बहुत ही ये मिठास भरे और हमको ठंडक देने वाले हैं, और इसको हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए गर्मियों में। और ये मैक्सिमम मिलते भी हैं, तो इनको हमें गर्मियों में ला करके और इनका शरबत बना के पीना चाहिए। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड्स, इस शरबत को कुछ गार्निश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने गर्मियों में इसको पी रहे हैं, तो इसे हमें किसी ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने गर्मी को दूर करना है। तो इसको हमने सिंपल एज इट इज़ रखेंगे तो बहुत अच्छा है, और इसको आप एंजॉय कीजिए। थैंक यू।